नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की सूडो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर आज की बड़ी और मुख्य समाचार की ओर नजर डाल लेते हैं। बिहार में RJD संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई। महज कुछ सीटों के दावों को पेश किया गया, लेकिन यह सब कुछ खत्म हो गया। RJD महज 4 से 5 अधिकतम सीटें अगर जीत गई होती तो बिहार में आज सरकार बन गई होती। इतना ही नहीं, सरकार न बनने के बावजूद भी 2022 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसके दावों को अब राजद खुद पेश कर रही है। राजद को यह लगता है कि 2022 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जीतन रमा जी NDA से नाराज चल रहे हैं और दानिश रिजवान का यह कहना कि सरकार गिरा सकते हैं, यह साफ तौर पर दावा करता है कि बिहार में RJD की सरकार तेजस्वी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अगर आपको भी लगता है तो वीडियो को लाइक कर समर्थन दर्ज करें। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान इस वक्त का सामने आया था। दानिश रिजवान ने कहा था कि नहीं सहेंगे अपमान, अगर भाजपा से निकले तो बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। साफ तौर पर यह संकेत था और उसके बाद में राजद की सरकार बन जाएगी, यह संकेत दानिश रिजवान की ओर से दिया गया था। जिसके बाद में आज सुशील कुमार मोदी सामने आया और उन्होंने कहा कि हम अपमान एक दलित के बेटे का नहीं सह सकते, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना होगा करने का कार्य करेंगे, बिहार में सरकार को नहीं करने देंगे। बड़ा दावा वापिस। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, कोरोना के बढ़ते वेरिएंट को लेकर के आज लगातार चिंताएं व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र की बात करें, उधर आपको बता दें दिल्ली की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें तो देश में फैल रहे कोरोना के नए समीकरण को आपको बता दें संक्रमण को रोकने की तैयारी चल रही है। नए साल के जश्न पर पाबंदियों को लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण का रफ्तार काफी तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है, जिससे असर पड़ सकता है पूरी तरीके। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिया हिंदू के ऊपर मुकदमे दर्ज हुआ करते थे जब कांग्रेस का शासनकाल था तो, और यह मुकदमे फर्जी मुकदमे हुआ करते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और बताने का कार्य किया कि किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था कांग्रेस। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, नीतीश कुमार को लेकर दिया समाज सुधारो एक तरफ रैलियां मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो दूसरी ओर दारू कारोबारियों का कारोबार फलन और फुलन के माध्यम से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पर नकेल ना लगाने के साथ अब बिहार सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। नीतीश कुमार से बिहार के लोगों ने पूछा कि अगर आपने समाज सुधारने के लिए रैलियां कर रहे हैं तो इसका आप क्यों नहीं बताते कि बिहार में किस तरीके से लूट हत्या अपहरण और शराब माफियाओं द्वारा शराब को बेचा जा रहा है। बड़ी खबर निकाल कर सामने आ रही है, एक बार फिर से रेलवे के आपको बता दें कि ट्रेनों पर काफी असर पड़ा है ठंडी के कहर से, और साथ ही साथ पंजाब में कृषि आंदोलन के कारण से आज फिर से ट्रेनें लेट पहुंची, कई ट्रेनों को रद्द किया गया। इंडियन रेलवे 2021 में भारी, जी हाँ, बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे को इस बार काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए का इंडियन रेलवे को इस बार नुकसान का सामना करना पड़ा है इस वक्त। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ले लिया है बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड में BPL कार्ड धारकों के लिए पेट्रोल की कीमत कम हो गई। पेट्रोल की कीमत नए साल पर कम कर भाजपा को जबरदस्त झटका दिया है। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर बता दिया कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी इसे कम करके साफ तौर पर सभी राज्यों से कम कर दिया गया है पेट्रोल की कीमत। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की, दरअसल आपको बता दें संपूर्ण शराबबंदी जहां बिहार में है और NDA की सरकार है, वहीं बात करें एक जगह की तो यहां पर संपूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश में, जी हां, आपको बता दें कि BJP के अध्यक्ष जहां सोनू, आपको बता दें कि सोनू जी का बयान है और उन्होंने कहा कि मैं 70 रुपए का एक शराब का पौवा दिलवाऊंगा अगर आपने वोट देकर सरकार बनाया तो।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। रणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार किसानों के तमाम मांगों को मांग रहे हैं और किसानों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अब उनकी सभी चीजों को मांग कर चन्नी सरकार को आप पंजाब में लाइए। चन्नी सरकार अगर पंजाब में आती है तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं चन्नी के लिए मुश्किल बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार बनी तो 3 महीने में शराब बंद करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी आज, जी हाँ, आपको बता दें फिरोजाबाद पहुंची थी, जहां पर उन्होंने महिलाओं को लेकर के बड़ी बात कही। फिरोजाबाद से उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ चुनाव जैसे नारे को देकर हम आ रहे हैं, यह साफ तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं के विकास की बातों को लेकर के कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा विकास करने का हमें संकल्प लिया है। तो कांग्रेस ने संकल्प लिया है, उन्होंने कहा कि दलित के साथ हुआ प्रताड़ना नहीं सहेंगे, कार्रवाई करे सरकार। जी हाँ, इंडियन आपको बता दें हवाई एयरप्लेनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल इस महीने नए साल के जश्न पर एक देश से दूसरे देश जाने वाले तमाम यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराई, तो 11,500 उड़ानों को रद्द किया गया, जिसके बाद में विमान उद्योग को सबसे बड़ा, जी हाँ, झटका लगा है बिहार समेत तमाम जगहों से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम आपको बता रहे मंत्रियों के साथ बैठक किया। इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बात पर हुई कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा फरमान क्या होना चाहिए, और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा ख्याल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ 5 राज्यों के चुनाव है, इस पर भी आज मंत्रियों के साथ गहन चिंतन मंथन हुई, जहां पर प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार देशवासियों को है। बिहार में क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लूट, हत्याएं, अपहरण, डकैती और इसके साथ लगातार टाउन से, जी हाँ, शहरों में भी गोलियों की आवाज गूंजने का सिलसिला जारी है। बात करें आपको बता दें कि पटना की, तो पटना में कारोबारी के साथ लूट की गई है, जिसके बाद में सिवान में लूट की गई है, गोपालगंज में लूट की तस्वीरें सामने आई और इसके साथ छपरा में लूट की तस्वीरें सामने आने से हड़कंप की तस्वीर सामने आ रही है लगातार बिहार से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, व्हाट्सएप नए साल में अपने तमाम यूजर्स को बड़ा अलर्ट करने जा रहा है। एक तय सीमा के साथ अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप एक तय सीमा के साथ बंद हो जाएगा। कुछ लोग व्हाट्सएप बना लेते हैं लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते, तो तय सीमा के साथ अगर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो व्हाट्सएप खुद पे खुद बंद हो जाएगा। ये साफ तौर पर व्हाट्सएप का एक नया फरमान जारी कर दिया गया। खाने वाले सरसों के तेल में आपको बता दें कि कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद में आम जनों की परेशानियां थोड़ी सी कम हो गई है। दरअसल राहत की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल जहां एक तरफ महंगा हो रहा है तो वहीं खाने के तेल में एक बार गिरावट दर्ज की गई। खाने का तेल 200 रुपये प्रति लीटर तक चला गया था, अब कम होकर 150 रुपये प्रति लीटर अच्छा खाने का तेल आपको मिल सकता है भारत के अंदर। तो भारत में आपको बता दें कि कच्ची खाने का तेल काफी ज्यादा महंगा हो गया था, जो एक बार कम हो गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आज अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा, इत्र व्यापारी पीयूष जैन को लेकर के जो समाजवादियों पर आरोप लगाने का कार्य कर रही है सरकार, ये सरकार ऐसा ना करे, सरकार जांच करे इस विषय का, सरकार निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच करे। तो साफ तौर पर पीयूष जैन से बातचीत होने वाले तमाम बीजेपी के उन नेताओं का पर्दाफाश हो सकता है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इत्र व्यापारी के साथ। इत्र व्यापारी खुशबू फैलाता है और खुशबू ही नहीं, अब पैसों की अंबार के बाद में सरकार परेशान।
सरकार को एक बार फिर से किसानों ने चेताया। किसानों ने कहा कि कृषि मंत्री का बयान जो है वो सामने आने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली दूर नहीं मंत्री जी, दिल्ली दूर नहीं, आने में वक्त का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम समयों में सफर को तय कर लेंगे और आपकी तकलीफें बढ़ जाएगी। यानी आप साफ तौर पर जो अगर आपने मनसा पाल रखा है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं, इस भ्रम में ना रहिए आप। सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चले बढ़ते आज की सबसे बड़ी खबर की और इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। दरअसल आपको बता दें, खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल जीतन राम मांझी अब राजद के समर्थन में उतर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार में सबसे बड़ा खेला कर दिया गया है। सत्ता पक्ष जहां लगातार विरोध कर रहा था आरजेडी का, वही आज समर्थन कर आरजेडी का मजबूत बाहों को कर दिया, तेज प्रताप यादव के हाथों को मजबूत कर दिया है और तेजस्वी के हाथों को मजबूत कर दिया जीतन राम मांझी ने। इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस वक्त सबसे बड़ा खेला कर दिया गया है, बिहार में अब सरकार पलट सकती है, क्या कुछ बड़ी खबर है। आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं, विस्तार से एक एक चीजें आपको बताएंगे किस तरीके से क्या कुछ किया गया है और किस तरीके से सरकार के पलटने के दावों को पेश किया जा रहा है। तो पूरी खबर ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए तो इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक कीजिए कि तब सभी तक यह खबर पहुंच सके। आज जीतन राम मांझी और यादव तेज प्रताप यादव लगातार जिस तरीके से अलग अलग विचार बातों पर रखते रहे हैं, आज एक साथ एक विचार रख चुके हैं। आज तेजस्वी यादव के साथ जीतन राम मांझी आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि जीतन राम मांझी ने यह कदम बिल्कुल सही उठाया है तो इस वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज करिएगा। बड़ी खबर विस्तार से बताते हैं, दरअसल चुनाव आयोग ने एक मुकदमा तेज प्रताप यादव पर दर्ज किया था। तेज प्रताप यादव पर चुनाव आयोग ने मुकदमा किया जिसमें संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा गया कि संपत्ति का ब्यौरा सरकार द्वारा छिपाया जा रहा है। आपको बता दें तेज प्रताप यादव द्वारा छिपाया जा रहा है, और इस मामले में आज हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सामने आया और उन्होंने चौंकाने वाला बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में भी लोग हैं जिन लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा छिपाया है, और भविष्य में अगर चुनाव आयोग चाहता है कि इससे लोग डरे और खौफ रहे कि वो संपत्ति का ब्यौरा ना छिपाए, तो यह मुकदमा तेज प्रताप यादव के साथ साथ उन तमाम विधायकों पर करनी चाहिए जो लोग अपने संपत्ति का ब्यौरा छिपा रहे हैं। जिसके बाद में तेज प्रताप यादव के समर्थन में आने के बाद में और पूरी तरीके से यह खेला शुरू हो गया है बिहार में, खेला करने के मूड में जी हाँ, आपको बता दें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी है, और इस बात का संकेत उस वक्त मिलने लगा था जब दोनों नेता मुलाकात किए थे और मुलाकात का बहाना यह बात को लेकर बनाया गया कि सरकार इस अगला जो चीजें हैं वो उस पर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कार्य कर रही है। लेकिन अब सरकार की नींदें उड़ गई है, जहां एनडीए के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्षी दल के नेता तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो अब तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई के साथ समर्थन जो है वो तेज प्रताप यादव को मिला है। जी हाँ, आपको बता दें आरजेडी को मिला है समर्थन जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी का समर्थन जो है वो मिल चुका है, तो बड़ा बयान सामने आया है। आज के लिए इतना ही, आप हमारे शब्द बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।